प्लेटोज एटीट्यूड ऑन पोइट्री। ठीक है, क्रिटिसिज्म को समझने के लिए ये सब टॉपिक समझना जरूरी है। देखिए प्लेटो का सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टॉटल वे ग्रीक फिलोसोफर्स, दार्शनिक थे लोग। दे लिव्ड इन एथेंस, कैपिटल ऑफ ग्रीस, इन द 5th century BC। मतलब 5th century BC मतलब दिस मीन्स अबाउट 2500 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 2500 साल पहले। प्लेटो हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टू पोइट्री, पोइट्री को नफरत की दृष्टि से, नेगेटिव नफरत की दृष्टि से देखते हैं। नई बात देखिए सुनिए, ही डिसलाइक्स, हिज डिसलाइक फॉर पोइट्री इज ऑन फोर ग्राउंड। वो चार कारण से पोइट्री से नफरत करते हैं। कौन? प्लेटो, इतना महान थिंकर है। पहला ग्राउंड है मॉरल ग्राउंड में, इमोशनल, यूटिलिटेरियन, मैंने व्यवहारिक ख्याल से पोइट्री पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, और इंटेलेक्चुअल दिमागी ख्याल से भी पोइट्री को नफरत करते। कौन? प्लेटो। प्लेटो से पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज, कहते ये झूठ का सरदार है। कौन? कविता। अब हम कहते हैं तुम्हारी आँख है हिरनी जैसे, चाल है क्या है चांद देखने में, तो सब झूठा सब होता है पोइट्री में। ही बैनिश्ड पोइट्री फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड, और कविता को वो अपने आदर्श दुनिया से, समाज से उसको गेट आउट कर देते हैं। कौन? प्लेटो। अब देखिए एज अ मॉरलिस्ट, प्लेटो डिसलाइक्स पोइट्री बिकॉज इट इज इमॉरल इन हिज एटीट्यूड। प्लेटो के नज़र में कविता में इमॉरल है, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत ये सब देते रहता कविता में, इसीलिए कहते ये सब मॉरल नहीं है, पवित्र नहीं है। एज अ फिलोसोफर डिसलाइक्स पोइट्री बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, और दार्शनिक के रूप में भी कविता से नफरत करते, ये तो झूठा है, कहते तुम चांद हो, चांद थोड़े तो ये लड़की रहती है। फिलोसफी वॉन्ट्स ट्रूथ, दर्शन को सत्य चाहिए, पोइट्री रन्स आफ्टर इल्यूजन, कवि दर्शन को चाहिए सच, सत्य चाहिए, लेकिन कविता किसके पीछे दौड़ती है? भ्रम के पीछे, धोखा। अब देखिए अब क्वेश्चन ये है, इतने बड़े फिलोसोफर को कविता से क्यों नफरत, क्यों नफरत वो करते थे? वाई इज द ग्रेट थिंकर प्लेटो अगेंस्ट पोइट्री? लेट अस कंसिडर दिस मैटर, इस बात को समझा जाए। ग्रीस, अब देखिए क्या कारण है, पन्ना उलट रहे हैं। ग्रीस वॉज अंडर द डेंजर ऑफ फॉरेन अटैक। देखिए जब वो प्लेटो लिख रहा था उसमें उसको देश पर फॉरेन अटैक का खतरा था, दुश्मन अटैक का। ही सॉ दैट हिज कंट्रीमैन वर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन पोइट्री एंड ड्रामा। वो देखा देश खतरे में है, वो यहाँ कविता रच रहा है, ड्रामा देख रहा है, तो इस बात पर उसको गुस्सा था। इन आवर मॉडर्न एज गार्जियंस एंड टीचर्स आर अगेंस्ट सिनेमा। हमारे युग में देखिएगा गार्जियन बच्चे को इतना सिनेमा मत देखो, जैसे सिनेमा इज स्पॉइलिंग आवर चिल्ड्रेन इन सोसाइटी, गार्जियन कहते हैं कि सिनेमा से हमारा बच्चा सब खराब हो रहा है। उसी तरह प्लेटो भी अपने समाज वाले को ही कहता है। इन द सेम वे प्लेटो एज अ गार्जियन ऑफ ए सोसाइटी थॉट दैट पोइट्री वॉज हार्मिंग ग्रीक्स, समझे, ये इसका कारण था। कारण था उसका ठीक ही था बेचारे का। आप देखिए लव पोएम्स आर नॉट एथिकल, और प्यार की कविता होती है वो नैतिक नहीं होती है। द फेस ऑफ अ बिलवेड इज कंपेयर टू द मून, प्रेमिका का चेहरा चांद से कंपेयर किया जाता है। प्लेटो कंसिडर दिस लाइफ, प्लेटो उसको झूठ मानता है। लाइज आर यूज टू चीट, और इसी धोखा कह कर दूसरों को फंसाते हैं, झूठी बड़ाई करते हैं। पोइट्री प्लेज ऑन इमोशन नॉट रीजन, पोइट्री भावनाओं से खेलता है और तर्क से नहीं। अब देखिए क्या होता है, एरिस्टॉटल, ये सब इम्पोर्टेंट नाम है, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो राइट्स इन डिफेंस ऑफ पोइट्री। एरिस्टॉटल जो है पोइट्री के पक्ष में बोलता है, गुरु विपक्ष में कविता के खिलाफ, और चेला जो है कविता के पक्ष में बोलता है। एरिस्टॉटल सेज दैट पोइट्री गिव्स कैथारसिस, कहता है पोइट्री से हमको शांति मिलती है, गाना सुन के भी शांति मिलती है। दिस मीन्स दैट पोइट्री गिव्स अ पीस ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर को मन को शांति देती है। अ पर्सन कैन रिमेन हैप्पी बाय राइटिंग एंड रीडिंग पोइट्री, कोई मनुष्य कविता लिख के कविता पढ़ के शांति से जी सकता है, सच कह रहा हूँ। हिस्ट्री में इन द 16th century, अब देखिए क्या हो रहा है, ग्लॉसन रोट अ बुक स्कूल ऑफ अब्यूज, ये लिखा ग्लॉसन, दिस बुक सपोर्ट्स प्लेटो एंड इज अगेंस्ट पोइट्री, ये किताब भी प्लेटो का पक्ष लेता है और कविता के खिलाफ। अब देखिए इसके जवाब में इन रिप्लाई सर फिलिप सिडनी हैज रिटन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, और फिलिप सिडनी क्या क्या है, अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा है कि सेज द बेस्ट यूज ऑफ इंक एंड पेपर इज व्हेन वी राइट पोइट्री, और इतना सपोर्टर है फिलिप सिडनी पोइट्री कविता का, तो कागज और कलम का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, कविता लिखो कविता पढ़ो, राइटिंग और रीडिंग पोइट्री इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, सबसे अच्छा सदुपयोग है समय का, कविता लिखो या कविता पढ़ो। अब
पोएट कैन नॉट बी अ लायर बिकॉज पोएट्री डज नॉट डील विद फैक्ट्स. वो कैसे सतर्क रहते हैं, कहते कवि झूठा नहीं हो सकता है क्योंकि कवि जो है फैक्ट से उसको डील नहीं करता. अ पोएट यूजेस फैक्ट्स टू अराइव एट अ हायर ट्रूथ. कवि तो सच को लेकर और उच्च ऊपर देखता है, स्वर्ग नरक ऊपर देखता है. एक इम्पोर्टेंट है, अ पोएट यूजेस फैक्ट्स टू अराइव एट अ हायर ट्रूथ. ठीक है, सम पीपल मिस यूज पोएट्री. कुछ लोग कविता का दुरुपयोग करते हैं. दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ पोएट्री, इट इज द फॉल्ट ऑफ मैन. ये मनुष्य की गलती है कि हरदम सिनेमा देखें, हरदम कविता लिखें, हरदम सो क्या, अपना ड्यूटी करके तब कविता लिखनी पड़ेगी. द नेचर ऑफ अ थिंग इज डिटर्मिंड नॉट बाई इट्स मिस यूज बट बाई इट्स राइट यूज. कोई चीज़ तो यदि दुरुपयोग करेंगे तो उस चीज़ का उसका उस चीज़ का कसूर नहीं है, उसका सदुपयोग करना है ना कोई वस्तु का. द नेचर ऑफ अ थिंग इज डिटर्मिंड नॉट बाई इट्स मिस यूज बट बाई इट्स राइट यूज. इंपॉर्टेंट कोटेशन. कोलरिज इन इज बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया सपोर्ट्स पोइट्री. ऐसे इंपॉर्टेंट नाम है किताब सबका. क्या कहता है कोलरिज, गुड पोइट्री मेक्स अस फॉरगेट द मटीरियल वर्ल्ड ऑफ मनी एंड बिजनेस. हरदम पैसा कौड़ी दुनियादारी, एक अच्छी कविता पढ़ने से हम लोग उसको भूल जाते हैं और उच्च लेवल पर और ऊँचे सतह पर चले जाते हैं, उच्च स्थान पर चले जाते हैं. आर्नॉल्ड इन इज एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री, लास्ट पेज है, सेज दैट पोइट्री इज हायर देन हिस्ट्री. आर्नॉल्ड क्या कहता है, पोइट्री का इतिहास से ज़्यादा उच्च स्थान है पोइट्री का. हिस्ट्री हेल्प अस टू सी द ट्रूथ. इतिहास क्या दिखाता है, सच दिखाता है. पोइट्री शोज हायर ट्रूथ. और कविता जो है और उच्च लेवल की सच्चाई दिखाता है कविता. कंटेंट एंड स्टाइल बोथ शुड बी सब्लाइम इन गुड पोइट्री. अच्छी कविता में कंटेंट क्या लिखा कैसे लिखा दोनों हाई लेवल का होना चाहिए. लास्ट में कंक्लूजन, टू कंक्लूड, व्हेन अ नेशन फेसेस द डेंजर ऑफ अ फॉरेन अटैक द पीपल शुड बी अलर्ट. देश में दुश्मनों का आक्रमण का खतरा है तब तो कवि को सबों को अलर्ट होना चाहिए. देव न कवि द पोएट्स शुड इंस्पायर द नेशन विद देयर एक्शन एंड पोएम्स. तो कवि को अपने कार्य से अपनी कविताओं से देश को उत्साह बढ़ाना चाहिए. अ पोएट इज द प्रॉफिट एंड एंटेना ऑफ अ नेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. पोएट क्या है, ये रास्ता दिखाने वाला है. एंटेना कहते हैं जटिल बात को समझने वाला कवि, और वो कवि जो है देश को समझाता है. प्लेटो एटीट्यूड टू पोइट्री इज आउटडेटेड. और प्लेटो का जो विचार जो है ना पुराना पड़ गया, अब मान्य नहीं रहा प्लेटो का विचार. That's all, thank you.